ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ बुधवार को दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद बुलाया है। ऐसे में यमुनानगर में भी दलित नेताओं ने इकट्ठा होकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। हालांकि दलित समाज के नेताओं को देख एक बार पुलिस की सांस फूल रही थी और भारी पुलिस बल को कई चौकों पर तैनात कर दिया गया था। ऐसे में युवा दलित नेता रोड पर जाम लगाने की फिराक में थे और गाड़ियों के काफिलों को लेकर अनाज मंडी गेट पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही इस बात की भनक पुलिस को लगी तो पुलिस ने मंडी गेट के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें अंदर ही रोक दिया। हालांकि जाम लगाने को लेकर युवाओं और सूझबूझ वाले नेताओं के बीच गहमागहमी हो गई थी, लेकिन जैसे तैसे स्थिति को संभाल लिया गया और मौके पर पहुंचकर जिला प्रशासन ने दलित नेताओं से ज्ञापन भी ले लिया। हालांकि हरियाणा में चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है, उसी के चलते धारा 144 भी लागू है। ये प्रोटेस्ट ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त 2024 को निर्णय है ना, SC ST वर्गीकरण के बारे में और क्रिमी लेयर के बारे में, वो संविधान के अनुरूप नहीं दिया, वो संविधान के खिलाफ है। उसको कोई अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा ये फैसला दे, तो ये अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को है, पार्लियामेंट ही कर सकते हैं इसमें अमेंडमेंट, वो उनका कोई अधिकार नहीं है। ये जो फैसला है ये वापस होना चाहिए और ये जो क्रिमी लेयर और वर्गीकरण किया गया उसको रद्द किया जाए, पार्लियामेंट में ये कानून लाया जाए कि भी ये हम वापस ले रहे हैं। भारत बंद की कॉल थी? हाँ, आज भारत बंद की कॉल थी। ये ऑल इंडिया लेवल पे ये प्रोटेस्ट था और शांतिपूर्ण ढंग से हुआ और हमने अपील की थी भी शांतिपूर्ण ढंग से हम ये प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे TC साहब को, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो भी है उसको ये ज्ञापन दिया जाएगा जो राष्ट्रपति के जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया है। हालांकि यमुनानगर में भारत बंद का असर देखने को नहीं मिला, लेकिन दलित समाज के नेताओं ने इकट्ठा होकर आरक्षण को बचाने के लिए जिला प्रशासन को ज्ञापन जरूर सौंपा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब KCTV।